क्रूर है बल्कि बेशर्म भी है। इस सरकार की जनता की अदालत में ही नहीं, न्यायिक अदालत में भी बार बार फजीहत हो रही है, लेकिन सरकार के खैरख्वाह इस सरकार को सदाबहार एवरग्रीन साबित करने में लगे हैं। इसे हम कह सकते हैं नागपुरिया में थेथर, भोजपुरी में भैया और हिंदी में बेसन कहते हैं। लोकराज में लोकराज छोड़कर श्री हेमंत सोरेन सरकार अपने निकम्मेपन पर इतरा रही है और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से फटकार सुनने के बाद भी अपनी चाल बदलने के लिए तैयार नहीं है। उनकी सारी ऊर्जा विपक्षी नेताओं पर फर्जी मुकदमे लादने, उन्हें फंसाने और कायदा कानून को ठेंगा दिखाने में खर्च हो रही। अभी 2 सितंबर को ही झारखंड उच्च न्यायालय ने 2 मामलों की सुनवाई करते हुए सरकार के बारे में जो कहा वह किसी पानीदार सरकार को बेपानी करने के लिए काफी है। झारखंड के माननीय मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सरकारी योजनाएं फेल हो गई, गांव तथा गरीबों तक न राशन पहुंच रहा, न पीने का पानी, न बिजली, न गैस चूल्हा, गांव को भुखमरी की समस्या ने घेर लिया। इस बारे में सरकार 2 सप्ताह में सवाल का जवाब दे। झारखंड हाईकोर्ट में भूख से बिरहोर की मौत के मामले की भी सुनवाई कर रहा। एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 2 दिसंबर को ही कहा यदि जेपीसीसी संवैधानिक संस्था नहीं होती तो इसे बंद करने का आदेश जारी कर देते। कोर्ट का मानना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की बदहाली के कारण भर्तियां नहीं हो रही है। अदालत ने इस मामले में भी शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। साहेबगंज की महिला दरोगा रूपा टिर्की की मौत के मामले में तो सरकार की जितनी फजीहत हुई वह कल्पनीय है। रूपा के परिजनों, आदिवासी समाज, भाजपा समेत अन्य विपक्षी दल लगातार कह रहे थे कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। सरकार ने सीबीआई जांच टालने की नियत से हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया ताकि बला टले, लेकिन यह बला अब सरकार की गले की फांस बन सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने रूपा तिर्की मामले की जांच का आदेश देते हुए जो कहा एक बड़ा संकेत है। रूपा तिर्की का बिस्तरा भी सुरक्षित नहीं रखा गया, रूपा के परिजनों पर दबाव डाला गया और प्रलोभन दिया गया। इस बाबत फोन कॉल का विवरण भी मौजूद है। इस मामले में सत्ता पक्ष के करीबी लोगों का नाम भी सामने आ रहा है। इस मामले में का एक और पहलू यह भी है कि इनकी सीबीआई जांच रुकवाने के चक्कर में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता ने अदालत की अवमानना कर दी। अब उन पर भी मुकदमा चलेगा, जो झारखंड के इतिहास में एक अनोखी घटना है। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के वर्तमान डीजीपी नीरज सिन्हा की नियुक्ति मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जब पहले ही नोटिस दिया गया था तब नियुक्ति क्यों की गई। इस मामले में डीजीपी को भी नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया। दरअसल केन चौबे को डीजीपी पद से जिस तरह हटाया गया वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तौहीन थी। हेमंत सरकार तो किसी भी की बेइज्जत करने में संकोच नहीं करती। इसके बाद एक प्रभारी डीजीपी लाया गया, वह भी नियम के विरुद्ध। उनसे भी मनोरथ पूरा नहीं हुआ तो बिना नया पैनल भेजे नीरज सिन्हा जी को डीजीपी प्रभार बना दिया और उन्हें 2 साल का फिक्स टाइम भी दे दिया।
यह देश का अपनी तरह का अनोखा